आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेताओं में शुमार हैं दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर। अनुपम खेर इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है जो बीते कई सालों से आप सभी को जमकर एंटरटेन कर रहे हैं। आज का दिन अनुपम खेर के लिए काफी ज्यादा खास है। दरअसल आज 7 मार्च के दिन अनुपम खेर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 67 इयर्स के हो चुके हैं दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर और इस खास मौके पर उन्हें मिल रहे हैं शानदार तोहफे। भरपूर प्यार मिल रहा है अपने चाहने वालों की तरफ से और इसी खास मौके पर देखने को मिल रहा है कि अनुपम खेर की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े पुराने किस्से भी सामने आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में अनुपम खेर की पर्सनल लाइफ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में अनुपम खेर ने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। अलग अलग भूमिकाएं वह निभाते हुए नजर आते हैं। कभी वह खूंखार विलन के किरदार में नजर आए हैं तो कभी पॉजिटिव रोल निभाते हुए भी देखे गए हैं। अनुपम खेर ने हर एक किरदार के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन किया है और आज वह 67 इयर्स के हो चुके हैं। आज के समय में अनुपम खेर अपनी पत्नी दिग्गज अभिनेत्री पॉलिटिशियन किरण खेर और बेटे सिकंदर खेर के साथ काफी आलीशान और बेहतरीन जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए अनुपम खेर की पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। आज हम बात करेंगे उनके मैरिड लाइफ के बारे में। आज हम बात करेंगे कैसे उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ सहा है। वहीं वह सिकंदर खैर के पिता हैं। सिकंदर खैर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर अनुपम खेर के लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में भी। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जन्मदिन के खास मौके पर अनुपम खेर को मिल रहे हैं शानदार तोहफे। इस खास मौके पर अनुपम को अपनी पत्नी यानी कि दिग्गज अभिनेत्री और पॉलिटिशियन किरण खेर की तरफ से ढेर सारा प्यार मिला है तोहफे के रूप में। किरण खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है और लिखा है अनुपम खेर के लिए एक खास मैसेज। वह लिखती हैं, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं प्यारे अनुपम खेर, आप मेरे पति, दोस्त, सहारा और प्यार हो। ईश्वर आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखे। और इसी के साथ उन्होंने रेड हार्ट इमोटिक भी शेयर किया है। यहाँ पर उन्होंने तस्वीर शेयर की है जिस तस्वीर में ये प्यारा सा कपल कैमरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा है। वेल, जहाँ एक तरफ अनुपम को ढेर सारा प्यार मिला है अपनी पत्नी किरण की तरफ से, तो वहीं उनके बेटे सिकंदर खेर ने उनकी तस्वीर को शेयर करते हुए बेहद खास संदेश लिखा है। सिकंदर लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे खैर साहब, मैं आपके लिए अच्छी सेहत और हर उस चीज की दुआ करता हूँ जो आप पाना चाहते हैं। हर उस चीज के लिए शुक्रिया जो आपने मुझे दी है। हमेशा आप हर साल के साथ और जवान दिखने लगे। इस तरीके से अनुपम को शानदार तोहफा मिल चुका है अपने बेटे सिकंदर और पत्नी किरण खेर की तरफ से। वेल, जहां एक तरफ अनुपम खेर को पत्नी और बेटी की तरफ से शानदार तोहफा मिला है, लेकिन बात की जाए यहां पर उनकी लव स्टोरी के बारे में। बड़ी ही खास रही है किरण और अनुपम की लव स्टोरी। जानकारी के लिए आपको बता दें, अनुपम और किरण खेर की मुलाकात पहली बार चंडीगढ़ में हुई थी। ये दोनों चंडीगढ़ थिएटर ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी। यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। अनुपम और किरण एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर किया करते थे। जहां एक तरफ दोनों ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, वहीं पहले से ही दोनों शादीशुदा थे। अनुपम ने साल 1989 में अरेंज मैरिज की थी।
लेकिन वह इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वहीं किरण खेर की शादी साल 1980 में मुंबई के एक बिजनेसमैन गौतम बेरी के साथ हुई थी, जो तकरीबन 5 साल तक चली थी। किरण और गौतम बेरी के बेटे हैं, जिनका नाम है सिकंदर। जी हां, सिकंदर किरण और गौतम बेरी के बेटे हैं। लेकिन जब अनुपम और किरण शादी टूट जाने के बाद एक दूसरे के रिश्ते में आ गए, दोनों ने ही शादी के लिए फैसला कर लिया। अनुपम किरण दोनों बिल्कुल अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को तलाक दिया और साल 1985 में शादी के बंधन में बंध गई। ये शादी एक प्राइवेट वेडिंग रही थी, जो कि गुड़गांव में हुई थी। इस शादी में दोनों के परिवार वाले और थिएटर से जुड़े उनके दोस्त ही शामिल हुए थे। अनुपम और किरण की मैरिड लाइफ काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी हुई भी रही है। दोनों ने कई उतार चढ़ाव का सामना किया है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अनुपम निर्माता बने और उन्होंने इंडस्ट्री में कई लोगों से उधार भी लिया था, जिसके चलते उन्होंने कई दिक्कतों का सामना किया था, और उस वक्त किरण उनकी ताकत बनकर उनके साथ खड़ी रही। अगर बात की जाए यहाँ पर अनुपम और किरण के लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में, दोनों ही करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। मुंबई में अनुपम का एक आलीशान घर है, तो वहीं किरण खेर के पास भी खुद की बेहद शानदार प्रॉपर्टीज हैं। दोनों ही कड़ी टक्कर देते हैं प्रॉपर्टीज और करोड़ों की संपत्ति के मामले में। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए अनुपम की संपत्ति के बंटवारे के बारे में, आखिरकार किस तरीके से वह अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जानकारी के लिए आपको बता दें, ऐसा सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुपम अपनी पत्नी किरण खेर और बेटे सिकंदर खेर के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर सकते हैं। जी हां, सिकंदर खैर भले ही उनके सौतेले बेटे हैं, लेकिन उनसे प्यार बहुत ही ज्यादा करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे अनुपम की नेटवर्थ के बारे में, जो तकरीबन 400 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं महीने की सैलरी 3 करोड़ से ज्यादा है और साल की इनकम 30 करोड़ से भी ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में अनुपम खैर की नेटवर्थ 30% बड़ी है। जहां एक तरफ वह एक्टर हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ वह प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कई बिजनेस के जरिए भी वह करोड़ों की कमाई करते हैं। वहीं इतना कमाने के बाद वह चैरिटी भी अच्छी खासी करते हैं, वह टैक्स भी अच्छा भरते हैं। अनुपम की प्रॉपर्टीज पर अगर गौर किया जाए तो मुंबई में उनके पास 2 शानदार बंगले हैं, एक अंधेरी और एक जुहू में मौजूद है, जिनकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। इसके अलावा उन्होंने देश भर में कई रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं। वहीं उनका कार कलेक्शन भी बेहद शानदार है। अनुपम खेर के पास BMW और स्कॉर्पियो जैसी लग्जरियस कार्स हैं। अनुपम खेर इस तरह से करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, और ऐसे में देखा जाए तो वह ये संपत्ति ना सिर्फ अपनी पत्नी के नाम करेंगे, यानी कि किरण खेर के नाम, बल्कि अपने बेटे सिकंदर खैर के नाम भी कर सकते हैं। इस तरह से उनकी संपत्ति का 2 भागों में बंटवारा हो सकता है। लेकिन ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार अनुपम खैर अपनी संपत्ति का मालिक किसे बनाएंगे। आज सभी ने देखा जाना कि किस तरह से अनुपम खैर ने किरण खैर से शादी की और बाद में उन्होंने आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए अनुपम खेर की मैरिड लाइफ के बारे में, कि आखिरकार वह क्यों पिता नहीं बने, आखिरकार किस तरीके से उन्होंने सिकंदर खेर को अपनाया था। इस प्रोग्राम में इतना ही। जाने से पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।